तो आज कैमरा टेस्ट करते हैं Xiaomi 14 CV का और देखते हैं कि डे लाइट में लो लाइट में कैमरा कैसा है परफॉर्मेंस पोर्ट्रेट शॉट में। प्राइस जो निकल के आ रहे हैं 43,000 अभी, लेकिन देखते हैं कैमरा कैसा निकल के आता है। वीडियोस के अंदर में फुल कैमरा टेस्ट करेंगे एंड यहां पर आपको दिखाऊंगा कि जो रिजल्ट है ना वो कैसा निकल के आता है, जो प्राइस निकल के आ रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये फ़ोन कैमरा के लिए कैसा है। अगर आप कैमरा के लिए बाइक करना चाह रहे हो, ब्लॉगिंग के लिए बाइक करना चाह रहे हो, तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ सिनेमेटिक वीडियोज़ कितनी बेटर निकल के आती है। ओके, तो मैं शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू, तो फटाफट ठोकना आप एक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। बाय द वे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं काफ़ी सारे रील्स एंड शॉर्ट स्टोरी शेयर करता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होती है। कैमरा सेटिंग की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट में आप देखो 1x 0.6 अल्ट्रा वाइड एंड ये आपको 2x 4x तक बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा स्क्रीन पे ही, मैनुअली आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर नेचर फोटोग्राफी के, तो कलर एक्यूरेसी यहाँ पर थोड़ा बेटर निकल के आता है। कलर एक्यूरेसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कलर ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट आपको ओवर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर देखो ये वाला एरिया थोड़ा सा अंडरपोन निकल के है, बाकी का सब कुछ ठीक ही देखने को लगे हैं। जूम करने के बाद डिटेल्स भी काफ़ी इनफ है, लेकिन जो डार्क वाले एरिया है थोड़े से और बेटर एक्सपोज हो सकते थे। एंड अल्ट्रा वाइड की यहाँ बात करेंगे, सेम आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर भी आपको देखने को मिलता है सेम कलर, लाइका वाइब्रेंट मोड पर सेट किया हुआ था बाय डिफॉल्ट में, बट कलर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को मिलता है। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स भी यहाँ पर इनफ निकल के आते हैं, लेकिन अगेन ये वाला पार्ट थोड़ा बेटर होता था, एक्सपोजर को तो स्ट्रगल करता है। अभी देखो यहाँ पर भी अगेन लाइका वाइब्रेंट में कलर अच्छे निकल के आते हैं, कलर जो बूस्ट का प्रॉब्लम था वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, हालांकि थोड़ा सा प्लीजिंग कैप्चर करता है रेड वाला कलर, बट कलर जो है आपको अच्छे निकल के आते हैं। एंड यहाँ बात करेंगे माइक्रोशॉट की प्राइमरी कैमरा से, तो यहाँ पर देखो कोई भी कलर बूस्ट का प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जो बैकग्राउंड थोड़ा अंडरस्पोज निकल के आए, बट कलर अच्छे निकल के आते हैं। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स भी आपको इनफ है मेन सब्जेक्ट पे, तो प्राइमरी कैमरा में आपको अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो सनलाइट बिल्कुल ऊपर से आ रही थी, तो यहाँ पर जो कलर थोड़ा बूस्ट किया है डायरेक्ट सनलाइट में, एक्सपोजर का भी थोड़ा सा इशूज़ है यहाँ पर, और डिटेल भी थोड़ा सा मिस कर रहा है मेन वाले सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन फोटोग्राफी की बात करेंगे 1x प्राइमरी कैमरा पे, तो कलर वगैरह बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर है आपको अच्छे से कैप्चर कर लिया है, कोई भी इशूज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फ़र्क देखेगा आपको जूम करने के बाद, देखो जो फेस पे एक्सपोजर है उसको ओवर एक्सपोज कर रहा है, तो एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा सा वीक है यहाँ पर इस बार, एंड डिटेल्स आपको इनफ देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो ये वाले सैम्पल शॉट में अगेन सनलाइट बिल्कुल सामने से नहीं थी, तो यहाँ पर एक्सपोजर को वेल मेंटेन रखा, स्क्रीन टोन भी कैप्चर कर लिया है। शैडो वाले एरिया में ना पिक्चर अच्छी निकल के आती है, पिक्चर ओवर एक्सपोज नहीं होती है, लेकिन सनलाइट में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत देता है। एंड अल्ट्रा वाइड की यहाँ बात करें अगेन, तो बैकग्राउंड में जो ग्रीन टोन है आपको अच्छा कैप्चर कर लिया है, लेकिन जो मेरा मेन सब्जेक्ट है थोड़ा सा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं, ब्यूटीफाइड भी निकल के आ रहे हैं जो स्क्रीन टोन है, खासकर यहाँ पर नोटिस करोगे आप। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर डिटेल्स तो आपको थोड़ा सा मिस कर रहा है फेस के ऊपर में। अब यहाँ पर देखो मेरा फेस एंड यहाँ पर जो हैंड है ना दोनों ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं, ब्यूटीफाइड भी निकल के आ रहे हैं। अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर देखो अगेन साइडो वाले एरिया में यहाँ पर भी एक्सपोजर को वेल मेंटेन कर लेता है, कलर को ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत देता है आपको डायरेक्ट सनलाइट में। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर भी अगेन फेस को थोड़ा सा यहाँ पर नेचुरल साइड में तो नहीं बोल सकता, बट आई प्रिज्म कैप्चर करता है। ओके, तो यहाँ से अब मैं करता हूँ जूम टेस्ट और देखते हैं क्वालिटी कितनी बेटर निकल के आती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये हो गया आपका 5x। ओके, तो ये है 5x एंड वापस लेके जाऊँगा मैं इसको 10x पे, तो ये हो चुका है 10x एंड वापस से 20x पे, तो जो मैक्सिमम जूम है वो आपको मिलेगा 20x, तो ये हो चुका है 20x। सो जो क्वालिटी है वो आपको 20x पे उतना यूज़फुल नहीं आती है, 10x थोड़ा ठीक है एंड 5x आपको बेटर देखने को मिल जाती है। एंड वीडियो के अंदर जाओगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर में 1080p 30fps एंड देन, तो अगर आपका HDR मोड अनेबल रहेगा ना, तो जैसे HDR अनेबल कर दिया आपने तो 1080p 30fps ही सपोर्ट करेगा, एंड आपको HDR डिसेबल करोगे तब जाकर के आपको 1080p 60fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और HDR अनेबल करने के बाद अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको 4K 30 तक जा सकता है HDR वीडियो के अंदर में, तो अगर आपको सिनेमैटिक रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर देखो सिनेमा का भी ऑप्शन दिया गया छोटा सा देखो बगल में। ओके, ये आपको देखो सिनेमा मास्टर सिनेमा दिखेगा, तो यहाँ से ये मास्टर सिनेमा अभी देखो ऑन दिख रहा है। ओके, तो लेट्स सी के देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो कैसा निकल के आता है मास्टर सिनेमा के अंदर में। यहाँ देखो ओके, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है मास्टर सिनेमा मोड में 1080p 30fps पे एंड 4K 30fps का भी सपोर्ट है। तो फेस पे डिटेल्स है, लेकिन फेस जो स्क्रीन टोन है काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट निकल के आ रहे हैं एंड बैकग्राउंड ब्लर भी आपको नेचुरल तो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कलर बूस्ट करता है बैकग्राउंड में, लेकिन फ्रेम जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्किप हो रहा है एंड जो डिटेल्स है जो टेक्स्ट के कलर है वो आपको अच्छे से मैनेज कर ले रहा है। एंड थोड़ा एक बार फिंगर ऐसे स्प्रेड करो ना, एयर डायरेक्शन मालूम पड़ेगा प्रॉपर। हाँ, एयर डायरेक्शन तो ठीक ही है
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ फोकस का देखो इशू है, ये वाले थोड़ा डिले फोकस लेता है। हाँ, अब जाकर ये फोकस में है एंड देन वापस मैनुअली टाइप करना पड़ेगा आपको फोकस में जाकर के, तब जाकर के फोकस में आता है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस फोन के रियर कैमरा से 1080p 60fps पे। कलर थोड़े यहाँ पर सैचुरेट निकल के आते एंड ओवर कॉन्ट्रास्टी भी निकल के आते, काफ़ी सारा यहाँ पर देखोगे एरिया जो है अंडरस्पोज निकल के आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जिटरिंग भी फील होते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है आपको। तो कलर थोड़े से यहाँ पर ओवर कॉन्ट्रास्टी होने की वजह से आपको नेचुरल देखने को तो नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर फोकस हंटिंग इशूज तो नहीं है, लेकिन क्लोज वाले सब्जेक्ट में अगर आप कैमरा को मूव करते हो तो थोड़ा सा आपको जिटरिंग फील होता है इस टाइप से। तो कुड बी बेटर, यहाँ पर थोड़े से कलर वगैरह कॉन्ट्रास्ट अच्छे होने चाहिए था। लेट्स चेक माइक्रोफोन क्वालिटी कैसे निकल के आती है, अगर आपको आउटडोर में रिकॉर्ड करना है तो साउंड क्वालिटी कैसा रिकॉर्ड करता है ये वाला कैमरा। पर देखो बिल्डिंग के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, अच्छे से विजुअल भी है थर्ड वाले पार्ट, ये 2x एंड देन ये 4x एंड ये अल्ट्रा वाइट। तो अल्ट्रा वाइट के अंदर भी आप स्विच कर सकते हो 1080p 60fps पे। तो ये मुझे काफ़ी से देखने को लगा, ऐसा कोई जिटरिंग वगैरह इशू नहीं है फ़ोन के अंदर में। और लेट्स एक बार चेक करते हैं स्टेबिलाइजेशन, ऑडियो काफ़ी स्टेबल रिकॉर्ड हो रही है इस फोन के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्रेट के अंदर में अगर यहाँ पर जाओगे ना तो आपको अपर्चर के अंदर जाओगे डॉक्यूमेंट्री 35mm, सोली बोके 50mm, देन आपको मिलेगा सॉफ्ट फोकस 90mm। तो आप जो अभी सॉफ्ट फोकस यहाँ पर 90mm दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये क्लिक है पिक्चर, ओके एंड देन यहाँ से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको प्रोसेस होने के बाद। ये देखो थोड़ा सा इशू है यहाँ पर जो है ना, इसमें प्रॉब्लम्स है, इसको फिक्स करने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये वाला जो है ना किसी काम का ही नहीं है बिल्कुल भी। 35mm फोटो थोड़ा अच्छी निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर देखो स्किन टोन थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है, बैकग्राउंड में कलर आपको नेचुरल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोजर हैंडलिंग भी थोड़ा मुझे इस पर बेटर देखने को लगा है। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आ जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड ये वाला मैंने क्लिक किया 50mm पे 2x मोड पे, स्किन टोन आपको थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है, स्किन टोन यहाँ पर थोड़े फेयर कैप्चर करता है, नेचुरल नहीं है लेकिन सबका अपना अपना चॉइस है। जूम करने का देखो डिटेल थोड़े बेटर कैप्चर कर लेता है, एयर डायरेक्शन में थोड़ा सा इस बार बेटर किया है पहले से। लाइका यहाँ पर ऑथेंटिक मोड भी ऑन नहीं था। अगर यहाँ पर मैंने ये वाला पिक्चर क्लिक किया 35mm पे तो पिक्चर यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। स्किन टोन यहाँ पर थोड़ा साइडों का एरिया था, स्किन टोन को थोड़ा बूस्ट करता है, एक्सपोजर को थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट करता है। एनेगन देखो यहाँ पर जूम करने के बाद डिटेल अच्छे कैप्चर कर लेता है, और लेकिन डेप्थ तो फिर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। एंड ये 2x मोड है लाइक 50mm, बट एज डायरेक्शन यहाँ पर मैंने चेक किया था तो डेप्थ तो फिर थोड़े से और बेटर हो सकते थे। बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडरस्पोज निकल के आते, पिक्चर आपको ओवर कॉन्ट्रास्ट निकल के आती है। जूम करने का देखो यहाँ पर ये वाले एरिया में डिटेल्स थोड़ा सा और बेटर हो सकता था ये वाले एरिया के अंदर में भी। एंड ये वाला मैंने क्लिक किया 25mm पे तो यहाँ पर अगेन स्किन टोन थोड़ा सा ओवरस्पोज निकल के आ रहे, स्किन टोन को थोड़ा बूस्ट करता है, कलर थोड़े से नेचुरल है बैकग्राउंड के। यहाँ पर देखो जूम करने के बाद ये वाला एरिया बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लर हो गया बैकग्राउंड के साथ में, एंड ओवरस्पोज भी निकल के आ रहे। ये वाला फिंगर एंड फेस दोनों ब्यूटीफाइड भी करता है, थोड़ा स्ट्रगल करता है ये वाला कैमरा। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी फोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps पे एंड 0.8x 0.6x 0.8 ये 1x एंड देन 2x। तो डिटेल्स वगैरह चेक करो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, एंड सनलाइट जो है बिल्कुल एकदम सर के ऊपर है। एंड जो कलर एक्यूरेसी आप स्किन टोन थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है, और तो 0.8x पे एंड ये 1x पे थोड़ा सा ना जिटरिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्रेम जो है स्किप हो रहे हैं। ये देखो रिलायंस नहीं हो रही क्या? रिलायंस तो वहाँ सामने है ना रिलायंस। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपके लिए 0.8x काफ़ी यूजफुल रहेगा। ओके एयरबस नो एंड ये 2x, सो डिटेल्स 2x में अच्छी निकल के आती है क्योंकि आपको फ्रंट में मिलता है दो कैमरा, तो मेन एंड अल्ट्रा वाइड ये है। अल्ट्रा वाइड के अंदर दो मोड आपको देखने को मिलता है। एंड लेट्स चेक करते हैं स्टेबिलाइजेशन, अगर आपको ट्रैवलिंग रिकॉर्ड करना है तो कैसा निकल के आता है फ्रंट कैमरा का स्टेबिलाइजेशन। ऐसे देखो ये 0. असल टेस्ट जो है ना यहाँ पे इसमें मालूम पड़ेगा क्या टेस्ट क्या कर रहे हैं स्टेबिलाइजेशन को। रोड थोड़ा ख़राब है और यहाँ से मालूम पड़ता है 1x पे 0.8 पे 0.6।
अब सनलाइट यहाँ पर ना सामने से नहीं आ रही थी, बट स्टिल देखोगे मेरा फेस तो अच्छे निकल के, स्किन टोन थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया, लेकिन जो मेरा डार्क सर्किल है वो अंडरस्पोज निकल गया है। बैकग्राउंड में कलर अच्छे कैप्चर कर लेता है, जूम करने के बाद देखो डिटेल अच्छे कैप्चर किया मेन सब्जेक्ट पे, लेकिन डार्क सर्किल थोड़ा सा अंडरस्पोज निकल गया है। एंड डायरेक्ट सनलाइट में जो मेरा टी शर्ट है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, फेस भी यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे, तो डिटेल्स तो अच्छे कैप्चर कर लेता है, लेकिन एक्सपोजर का थोड़ा सा इशूज़ है फ्रंट कैमरा में डायरेक्ट सनलाइट में। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स आपको अच्छे कैप्चर कर लेता है मेन वाला सेंसर। डार्क वाला एरिया थोड़ा सा बेटर एक्सपोज होनी चाहिए था, एक्सपोजर को थोड़ा सा इशूज़ है। एंड यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट शॉट में सनलाइट बिल्कुल सामने से नहीं थी, शैडो वाला एरिया था, तो अगेन यहाँ पर एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन किया, कलर टोनिंग आपको अच्छे से मेंटेन कर लेता है। एंड बैकग्राउंड वाले आपको नेचुरल देखने को लग रहे हैं। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर ये वाले एरिया में एज एक्शन आपको अच्छे से मेंटेन किया है, और डिटेल्स भी काफ़ी इनफ निकल के आते हैं मेन वाले सेंसर में। एंड ये वाला हो गया आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर, आपको फ्रंट में मिलते हैं दो सेंसर मेन एंड अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर देखो ये वाला एरिया ना आपको ओवर एक्सपोज हो रहा है, एंड जो मेरा फेस है वो अंडर एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा सा इशूज़ है फ्रंट कैमरा में। एंड यहाँ पर देखो जूम करने के बाद ये वाला एरिया का एडिक्शन थोड़ा सा क्लीन नहीं है, एंड डिटेल भी थोड़ा सा मिस कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बाकी स्क्रीन टोन अच्छे कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर देखो फेस पे स्क्रीन टोन अच्छे निकल के आ रहे, लेकिन डिटेल्स आपको थोड़ा सा और अच्छे होना चाहिए था। एंड यहाँ पर देखो डायरेक्ट सनलाइट में अगेन मेन वाले सेंसर से ये ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे पोर्ट्रेट शॉट में, तो थोड़ा सा इशूज़ है डायरेक्ट सनलाइट में मेन वाला सेंसर, चाहे वो पोर्ट्रेट शॉट हो, चाहे वो रियर कैमरा हो, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो। जूम करने के बाद देखो एडिक्शन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, एंड बैकग्राउंड में जो आपको डायरेक्ट सनलाइट वाला एरिया है वो भी आपको ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे, तो एक्सपोजर का थोड़ा सा यहाँ पर इशूज़ है। डिटेल्स आपको अच्छे कैप्चर कर लेता है मेन सब्जेक्ट पे, एंड स्क्रीन टोन भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेता है, तो स्क्रीन टोन का फ्रंट कैमरा का अच्छा निकल के आता है। तो ओके, अब यहाँ से मैं शेयर करता हूँ आपको बिल्कुल अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो फुल कैमरा टेस्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे वो है आपको कि जो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर का थोड़ा इशूज़ है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, फ्रंट हो, रियर हो, सभी कैमरा के अंदर में। वीडियो के अंदर में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट का इशू है, थोड़ा सा जिटर मारता है कभी कभी, बाकी का ये सभी सॉफ्टवेयर इशूज़ है, अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकते हैं। अभी इस फ़ोन के अंदर में रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो अपडेट नहीं आया, लेकिन आई होप कि इसको बहुत जल्द अपडेट देकर फिक्स कर दी जाएगी। तो प्राइस है 43,000, तो इसलिए कल वीडियो आएगी आपको वीवो V30 Pro के साथ में। तब तक के लिए आप ठोकना एक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर देना एक हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि मैं शेयर करता हूँ आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, ताकि आप सही जगह पैसे को इन्वेस्ट कर पाओ, बिल्कुल भी सही कैमरा फोन बाई कर पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।